3800 से 4200 लोहा हुआ, इसके बाद सीधे 6000-7000 हुआ, तो हमारा जेब खाली हुआ, अदानी का भर गया। हम ये जानना चाहते हैं कि लाडली बहना अभी तक नहीं थी 4 महीने पहले तक कि मामा जी अभी नहीं थी। अरे मामा जी जान गए कि सत्ता परिवर्तन और लगे से लाडली बहनाएं आई है, जो ये 5 साल में हुआ है और ये जो 5 साल में हुआ है वो नहीं हुआ 40 साल में। ये ऐसा काम हुआ है, 1300 रुपए गैस देती थी, लेकिन अब जब चुनाव आ गया तो 950 रुपए में आप गैस दे रहे हो। 10 दिन पहले ये कर देते तो ये वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, विकास सही दिखता। लोग तो कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं तो वही सरकार चाहता हूँ, भाजपा। आज एक आदमी खत्म, उसको सब वाहन तक नहीं मिला, जो कि 7 किलोमीटर चद्दर में बांध के कभी पैदल लोग पैदल गए, ये विकास की बात। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना मिला 1,15,000, बाकी कहाँ गया? सेक्रेटरी के जेब में गया, सरपंच के जेब में गया, किसके जेब में गया मेरे को मालूम नहीं। हमारे सुविधा कुछ नहीं है, ना दुआवर कांधों से जाते हैं, ना लाइट में कुछ। चुप रहो, वो जो अध्यक्ष है तो वो बोलता है कि ये तो कांग्रेस के गुंडा है, है तो हम गुंडा है बोले है, हम तो लेडीज। इस वक्त हम चुरहट विधानसभा क्षेत्र में हैं। चुरहट सीट विंध्य की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह राहुल चुनाव में उतरे हुए हैं, भाजपा की तरफ से जो पिछले बार जीते हुए विधायक है उन्हीं को ये रिपीट किया गया है, टिकट दी गई है, शैलेंद्र तिवारी है, और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रही है, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। अब हम यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे, क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर वो वोट डालने जाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रहीश कुमार पांडे। रहीश कुमार पांडे। रहीश, अच्छा रहीश जी, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के चुरहट? मुद्दे बहुत हैं, जैसे ये यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, और यहाँ बिजली भी अच्छी वो नहीं है, और रोड देख ही रही हैं आप, आवारा पशु घूम रहे हैं, जो वादा किया गया था वो काम कुछ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार बदलाव का पूरा हुआ है, इस बार यहाँ से अजय सिंह राहुल भैया जी जीत रहे हैं अच्छे मतों से। आप लोगों ने अजय सिंह राहुल को हराया था यही सोचकर? उस बार क्या हुआ था कि कार्यकर्ता ये था कि 20 साल से हमारे भैया जीत रहे थे, कार्यकर्ता एक्टिव नहीं थे, उसका लाभ इनको थोड़ा सा भैया भी समय नहीं दे पाए थे, उसके कारण से ये लोग वो हो गए थे। बाकी इस बार हमारे पूरे कार्यकर्ता गांव-गांव में घुसे हैं और अच्छा मेहनत भी हो रही है, इस बार अच्छी सफलता उस बार का भी इस बार हम लोग निकाल लेंगे। क्या नाम है आपका? हरिओम पांडे। हरिओम, किन मुद्दों पर वोट डालने जाएंगे आप, क्या समस्याएं हैं चुरहट की? मैम समस्याएं बहुत है, जो चुरहट में 5 साल माननीय सरदीन तिवारी जी विधायक रहे हैं, तो 5 साल के अंदर उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि हमें मतलब ये हो सके कि हम भाजपा को वोट दें। जनता ने उन्हें प्रत्याशी बने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाए, वो विधायक बने, लेकिन ऐसा कोई विकास का कार्य नहीं हुआ कि हम उनको वोट दे सके। लेकिन वो तो बताते हैं कि उन्होंने सीधी से लेकर चुरहट तक की जो रोड है वो बनवाई है, जो पिछले 6 बार से आपके जो विधायक थे वो नहीं बनवा पाए। 6 बार से हमारे विधायक थे, आप अगर 2003 या 5 जब कांग्रेस की सरकार रही होगी उस टाइम पे, उस टाइम की आप सड़क देखेंगे तो बेहतर सड़क थी, लेकिन जब से 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भैया यहाँ से विधायक थे, कांग्रेस से विधायक थे अजय सिंह राहुल भैया, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, उस द्वेष के कारण कि ये राहुल कांग्रेस का क्षेत्र है, यहाँ से राहुल भैया का क्षेत्र है, वहाँ से पैसा नहीं देते थे तो रोड कहाँ से बन जाए। मैं रोड बनी है पिछले 5 साल में, ये आप भी मानते हैं? तो रोड बनी है मैम, उनकी सरकार थी, बस एक रोड ही तो बनी है, बस और क्या बना? सिर्फ रोड। यहाँ पर पीजी कॉलेज कर दिए, बोल दिए कि हम कॉलेज को पीजी कर दिया रामपुर में, यूजी के यहाँ 1300 से 1500 बच्चे हैं, उन बच्चों को बैठने की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुरहट 5 साल कागज में विकास की है, ना तो कोई अच्छा काम किया, एक रोड बन गई, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं। कैसा काम हुआ है भैया पिछले 5 साल में? अच्छा ये तो आप बताइए, आप यही ठेला लगाते हैं? हाँ यही ठेला। क्या नाम है आपका? मेरा रोहिणी दाहिया नाम है। क्या काम हुआ है पिछले 5 साल? काम क्या हुआ, जो गरीब यहाँ दुकान लगाते सबकी दुकान हटवा दिए, क्या हुआ, यहाँ पर्ची वाले जबरदस्ती डंडा मार के पैसा लेते हैं, कोई ऑटो वाला एक बोरी ला दे रहता उससे जबरदस्ती पैसा लेते हैं, यहाँ चाहिए हमको चाहिए, कोई यहाँ सब्जी भी बेचता है मूली धर के बेचता है उससे पैसा जबरदस्ती छीना जाता है। पुलिस वाले लेते हैं? पुलिस वाले नहीं लेते, जो ठेका लिए हैं ये नगर पालिका के लेते हैं। कितने रुपए लेते हैं? 10 रुपए लेते हैं ठेके के। हाँ किसी के पास है नहीं है, कोई
बोरी में लेके गल्ला बेचने जा रहा है उससे जबरदस्ती करते हैं, यहाँ हमको पैसा चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा तो है। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार साकेत मैडम। रजनीश, क्या मुद्दे हैं चोरहट के? ये मुद्दे यही है कि ये सब परेशानियाँ दूर होना चाहिए सब। कौन सी परेशानी? यही परेशानी जो गुंडागर्दी दादा दलाली यही सब दुनियादारी का मकसद होता है वही सब हटाना चाहिए। और क्या है कि जो मजदूर किसान सभी इधर उधर मजदूरी करते हैं और फिर टाइम टाइम में मालिक लोग जो है ऐसे पैसे बराबर नहीं दे पाते हैं तो उसका क्या होता है? बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। चंद्रलाल मिश्रा। क्या हाल है चुरहट का, क्या माहौल? चुरहट हाल में घमासान टक्कर दोनों पार्टी का है, मेन बीजेपी का और कांग्रेस का, कहा नहीं जाता कौन 19-20 दोनों में अंतर है। इसका शासन 13 साल हो गया देखते शिवराज सिंह का, जो विकास हुआ है अभी चुरहट रामपुर अपने बीच एरिया में उतना अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। क्या किसान सम्मान निधि का हुआ पैसा? भाई सभी सरकार थी तो किसान सम्मान निधि को एक पैसा नहीं मिलता था। लाडली बहना योजना, इसके पहले जो योजना चलती थी 15 महीने में सरकार खत्म कर दी थी, कुछ नहीं मिला, नहीं समझे। इसका विकास स्तर काफी चल रहा तो एक लाली पॉप है। चुनाव जब आ गया 18 जब कोरोना काल में इनको लाडली बहना याद नहीं आई। 1000 रुपए 800 रुपए जीरा है, 200 रुपए लहसुन है, 100 रुपए प्याज। जो आदमी थोड़ा बहुत जानता है वो विकास स्तर देख रहा है हर एक चीज का, विकास स्तर 13 साल के अंदर में हर एक चीज देख रहा आदमी। हम लोग 60 साल के हो गए हैं लेकिन जान रहे कौन प्रशासन किस प्रकार चला है, इतना मालूम है। जब देना चाहिए था 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो देना चाहिए था ना, पहले से लाडली बहना काल में देना चाहिए था जब बहन है मुसीबत में थी। 1200 रुपए 1300 रुपए गैस देती थी लेकिन अब जब चुनाव आ गए तो 950 रुपए में आप गैस दे रहे हो। 10 दिन पहले ये कर देते तो ये वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, विकास सही दिखता है। क्या नाम है? विष्णु गुप्ता नाम। कांग्रेस कार्यकर्ता। कैसे लगा आपको? लिखा इन्होंने बताया। आपको लिखा दिख रहा है क्या? नहीं, आप व्यापारी हैं, व्यापारी हैं। अरे हम एक आम नागरिक हैं, आम नागरिक हैं। है भी तो इसमें शर्म वाली बात थोड़ी है जो आप एकदम ऐसे शौक हो गए या जैसे मान लीजिए हमने कोई बुरी बात कह दी हो आप। नहीं माननीय ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन आप आई हैं तो बहुत अच्छा लगा कि हाल चाल लेने हम सबका आई इस दर्द भरी दुनिया में। आप ही लोग एक माध्यम है जिससे अपन लोग व्यक्त कर सकते हैं अपनी भावनाओं को। तो अब ये समय व्यापम घोटाला जो है अपने को लॉकडाउन समय थोड़ा दर्द हुआ मैम कि ये लोकतंत्र की ऐसी गरिमा नहीं थी। नाम क्या है, काम क्या करते हैं? मैं क्या काम करूंगा, मैं ऐसे गरीब आदमी जी रहा हूँ। आई मीन अपना फिनो पेमेंट बैंक का काम है और जियो का काम है, टेलीकॉम्युनिकेशन में ताल्लुक रखता हूँ। आप बताइए क्या समस्या है? और सहारा एजेंट आए देख ली तिवारी जी का हल्ला है, पहले पहले निजीकरण के इतना सपोर्ट किया जा रहा है इससे बहुत दर्द है। आइए तिवारी जी, ये भी हमारे सहारा के कस्टमर है। सहारा काहे बंद भैया कार्ड हम अब ठीक बताए बनाइए अपना कार्ड। जैसे कि निजीकरण को सपोर्ट किया जा रहा है, अभी आप हाल ही में देखिए ट्रेन दुर्घटना हुई थी तो 15,000 की टिकट 25,000 हो गई, मतलब लोग यहाँ पे दर्द से मर रहे हैं और ऐसा निजीकरण में स्वाभाविक है। और अपन निजीकरण के लिए जा रहे हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक किए गए उस टाइम पे देश की आज़ादी के बाद इंदिरा जी ने किया। स्थानीय मुद्दे क्या बताऊं मैं, यही अब भैया के ज़माने में फैक्ट्री आई, लोगों को रोजगार मिला, जेपी थी बल्टाटे का, अपन चाहते का दो फैक्ट्री और आ जाए। यही हमें प्रशासन से आदेश था कि आज के युवाओं को जो यहाँ पे हो हल्ला कर रहे हैं इनको मकसद मिले ज़िंदगी जीने का, पर शिक्षा व्यवस्था थोड़ा आधुनिक हो, अपन लोग भी जाएं। इतना अच्छा लगता है मेरे फ्रेंड्स लोग, कुछ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल, कुछ दुबई में रहते हैं, कुछ अमेरिका में रहते हैं, इतने का पैकेज सुन सुन के अपन अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमने 10 साल पेपर बांट के आगे उठाया, मैंने 10 साल इसी धरती में पेपर भी बांटा है सर। मेरे पिताजी मेंटली डिस्टर्ब थे, मैंने कैसे जीवन जिया है, कैसे मैंने जीवन जिया है क्या बताऊँ। यही अपॉर्चुनिटी चाहते अपन कि यहाँ पे रोजगार के अच्छे अवसर मिले और युवाओं का अच्छा भविष्य हो, यही सब छदर बदर में ना रहें, ये करना वो करना हूटिंग करना ये सब, इनकी मेंटेलिटी चेंज करना है। सो स्किल डेवलपमेंट और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के जो नए प्रोग्राम आए, फैक्ट्रियां आए, अब मैं यही कहूँगा कि और शिक्षा आधुनिक हो। देश की बात करता हूँ कि इसी दर्द से झेल के आया हूँ मैं,
क्या नाम है आपका? पप्पू। क्या काम करते हैं आप? होटल में। हाँ? होटल में। होटल में। कैसा काम हुआ है पिछले 5 साल में चुरहट में? हाँ? पिछले 5 साल में चुरहट में कैसा काम हुआ है? हाँ, मालूम नहीं। मालूम नहीं। हाँ? अच्छा, आपका क्या नाम है? राम भाई साकेत नाम है। ये हमने 6 वार्ड के हैं। हमारे सुविधा कुछ नहीं है, ना दुधुआ भर कांधों से जाते हैं, ना लाइट में कुछ, चुप रहो, ना लाइट वाइट के कौनो सुविधा है, हैं ये तकलीफ ही सब लोगों, ना लाइट की व्यवस्था, ना रोड के, पचे लोग दुधुआ भर में कोई सुनाई नहीं, थाना में जाते हैं तो ना थाना में सुनाई है कि ये भैया के है आदमी खास, वो जो अध्यक्ष है तो वो बोलता है कि ये तो कांग्रेस के गुंडा है, हैं तो हम गुंडा है बोले हैं आहन तो लेडीज ये निजीकरण में थोड़ा उसमें अपर लोअर लिमिट लगे ताकि युवाओं को भविष्य जो अचानक से धड़ाम करके गिरा है। आज हम इंसान बन के खड़े तो ऐसा नहीं है सहारे के दम पे बने, आज वो सहारा कंपनी हमारी बंद हो गई। अब ये चाहते हैं कैसे जल्दी लोगों को जल्दी एजुकेशन कौन सी क्लास? फाइनल ईयर। फाइनल ईयर कौन सा स्ट्रीम है? बीए में। बीए किस चीज़ में? बीए है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी साहित्य है। अच्छा, तो पढ़ाई के बाद क्या करने का आगे प्लान है? आगे का प्लान सरकार क्या सरकार कुछ दे तो प्लान हो आगे का, लेकिन अपनी तरफ से कुछ निकले। वैकेंसी नहीं निकलती, पुलिस की तैयारी कर रहे थे, वैकेंसी निकलती है फिर उसका वो पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो फर्जीवाड़ा होता है। और कौन नेता आपको पसंद है, कौन सी पार्टी आपको पसंद है, किसने 5 साल में पिछले 5 साल में अच्छा काम किया है या नहीं किया है? 5 साल में काम किसका गिनवाए, काम ही नहीं समझ में आता, काम ही नहीं दिख रहा था, अभी काम ही नहीं दिख रहा है। क्या काम चाहते हैं, क्या काम होना चाहिए? लड़के को जी विकास थोड़ा और डिस्क्राइब करें ना, विकास तो बहुत ब्रॉड टर्म है, विकास में जैसे क्या विकास होना चाहिए? रोजगार हो, हम युवाओं को नौकरी मिले, और इधर बेफालतू जो लड़के घूमते हैं उनको सबको रोजगार मिले, बहुत चीज़ है। और क्या फालतू लड़के घूमते हैं, मतलब कैसे फालतू? उनको कुछ रोजगार ही नहीं है, ऐसे बेफालतू घूमते, रोजगार हो तो बेफालतू ना घूमे लड़के लोग। फालतू में ऐसे घूमते लोग, जैसे कि मैं पढ़ा लिखा आदमी, ठीक, मैं पढ़ लिख लिया, अब मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं, अब मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के बाहर तो जा नहीं सकता, अगर मैं बाहर चला गया तो फिर मम्मी पापा ख्याल कौन रखे? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें हों, कंपनी आए, फैक्ट्रियाँ, जिससे हमें रोज़गार मिल सके। यहाँ पर जो कांग्रेस वचन पत्र दे रही है, जो हमने देखा तो उसमें बताया गया है कि अगर आप हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार बनती, हम कांग्रेस को वोट देंगे, लघु उद्योग लगाएगी कांग्रेस की सरकार, झलवार में एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री बंद है उसको चालू करेगी, और ऐसे छोटे छोटे उद्योग लगाएगी हर जगह, हर क्षेत्र में, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। आप लोगों को सबको कांग्रेस पे भरोसा है? जी मैम, विकास वो करेगी तो भरोसा कांग्रेस पे ही है। हा? कांग्रेस पे भरोसा एक भी नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बात की गई थी, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, किसान का कर्ज माफ़ करने के लिए कहा गया था, और राहुल गांधी जी द्वारा ये कहा गया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन, 10 दिन में अगर कर्ज माफ़ी नहीं होगी तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, तो कर्जा तो माफ़ हुआ नहीं, किसी का 10 रुपए का हुआ, किसी का 20 रुपए के, इस तरह से प्रमाण पत्र हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इस चुराहट, अगर इस चुराहट की अगर हम बात करें, अगर वचन पत्र की बात करें कांग्रेस की, तो कोई काम ऐसा नहीं किया, 15 महीने की सरकार में उन्होंने योजनाएं बंद करने का काम किया है, और आपको बता दूं, चुराहट विधानसभा की अगर हम बात करें, इस चुराहट विधानसभा में एक डालडा फैक्ट्री थी, जो आज ये रोजगार की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, अगर उसे चालू कर दिया जाता, 40 साल विधायक थे आप, तो रोजगार उत्पन्न हो जाता, असब वो करते। सुनिए, ये रामपुर कॉलेज को पीजी कराने में माननीय सत्येंदु तिवारी जी का योगदान, और मैं आपको बता दूं, इस चुराहट विधानसभा में 100 बिस्तर की सिविल हॉस्पिटल आई, और आईटीआई आई, चुराहट की रोड बनी, हर एक व्यवस्था सुचारू रूप से चली, ये कोरोना काल चला, और माननीय अजय सिंह जी का पता रहता नहीं चला,
वे कहाँ गए वो पूजन करने के अलावा वो सभा में जाते मुख्यमंत्री करते थे। इस समय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में गैती लेके और नारियल लेके तैयार रहते, कोई फोन करे वहीं उतरते, लैंडिंग करते हैं, वो सुरवीर होता है जो योजनाएं चलाता है, पूजन के अलावा कोई योजनाएं क्या चालू करे, आज तक नहीं दिखा। इस रामपुर में इस राम पीजी कर दिए, लेकिन जो 1300-1500 बच्चे यूजी के बैठे हैं वहाँ पे उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है। कम से कम काम शुरू तो हुआ, काम शुरू तो हुआ है। और कहाँ सो यहाँ सो रहे थे, इसके पहले तो सो रहे थे, काम तो कर नहीं रहे थे। जो सत्येंदु तिवारी जी ने काम किया है, इस विधानसभा में आज के इतिहास में वो नहीं हुआ था। वही घंटे पहले की मैं घटना बता दूं, ये पैसे एक भितरी गांव, वहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल में खाना खाने से जोरों से जो है तो स्कूल में जहरीला खाना खाने से बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। वहाँ पर बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी आप जाके देखिए बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है, ना तो वहाँ पर कोई डॉक्टर आया, ना तो कोई कुछ आया। जब आपके पास सुविधा जो पहले से आपके पास हॉस्पिटल, उसमें आप सुविधा बना नहीं पा रहे हो, तो आप इस रामपुर हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर नहीं था, वो माननीय विधायक जी द्वारा आया है। एम्बुलेंस की सुविधा, दो एम्बुलेंस वो यहाँ किया गया है रामपुर में। बता दे चुरहट की ये बात, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते, आज एक आदमी खत्म, उसको सब वाहन तक नहीं मिला, जो कि 7 किलोमीटर चद्दर में बांध के कभी निकाल लोग विकास की बात। लेकिन हाँ, विकास हुआ इस चुनाव विधानसभा में, इसके पहले का विकास हमें बता दीजिए, गिना दीजिए, एक भी विकास गिनाइए, आप गिना दीजिए। मेरे मुँह में विकास है, मैं बता रहा हूँ, और जो जमीनी स्तर में विकास हुआ है, क्या क्या विकास क्या विकास हुआ पहले रोपा लगता था, एक मिनट, चुराट की रोड 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिया है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि क्या है, माननीय दाऊ साहब को काम गिनाएंगे। ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, ये मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आप खड़े हैं, देख लीजिएगा जो ये 5 साल में हुआ है, और ये 5 साल में हुआ है वो नहीं हुआ 40 साल में, ये ऐसा काम हुआ है। गल्ला पर्ची नहीं बनी थी, लोगों को गल्ला तरह सही से गल्ला मिल जाए, एक आदमी फ्री गल्ला ले रहा है। माननीय विधायक जी ने शिव शक्ति यात्रा के तहत जो है तो गल्ला पर्ची जोड़ने का 10,000 गल्ला पर्ची जोड़ने का, हम तो बोल चुके हैं। आपका नाम क्या? प्रदीप द्विवेदी। प्रदीप जी, आप क्या काम करते हैं? ऑटो रिक्शा वाले। ऑटो रिक्शा चलाते हैं? हाँ। पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार रही है, कैसा काम हुआ है चुनाव? भाजपा की सरकार में जो है, जो सब सामने दिख रहा है, जो उनका कार्यकाल है, सब सही है, सब सही है, सही है। अब सबको ही दिख रहा है, क्या बोले, एक नंबर का कार्य है, एक नंबर का भाजपा सरकार की। हाँ, सही है। हम लोग यही भाजपा सरकार से पीड़ित हैं, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम केंद्र की बात कर रहे हैं। हम लोग ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित किसान है। उस दिन सीएम भी आए थे, उस दिन हमने यहाँ पर आके बोले थे, और आज भी बोल रहे हैं। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम केंद्र तक की बात कर रहे हैं। तो उसमें 64 विधानसभा ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन जो जा रही है, 64 विधानसभा प्रभावित हो रहे हैं मध्य प्रदेश की। इस बार तो मान लीजिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अरे घर कहाँ से गिरे, गिरा दे। हम वैसे भी रोड में रहते, हमें विवश होकर ब्रश और जीभी बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, तो गिरा दे हमारे पास जो है। तो और एक बात ये भी है, और दूसरी पूरी ग्राम क्षेत्र घटोखर में पूरी घर ऐसा है गांव कि वहां पे जाने के लिए सुविधा, अगर आदमी बीमार हो गया वो मर जाएगा रास्ता घुमाते घुमाते। रोड की सुविधा नहीं है, जो हर विधायक हर नेता बनते हैं, मगर कोई भी नेता नहीं सोचते कि ये रोड बन जाए। क्यों नहीं सोचते हैं? दूसरी बात, सरपंच भी नहीं सोचते हैं। दूसरी बात जो ये फ्री का गल्ला जो देने के लिए बोलते हैं, तो उस किसान से जाके पूछें कि कितनी रातें जाग कर गुजारते हैं तब ये गल्ला, मतलब अनाज पैदा होकर मार्केट में आता है। जाके किसान से पूछें जाकर, तब ना पता चले। और हम लोग ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित किसान हैं, है ना? और हम जब गए तो वहाँ, मतलब यहाँ के जो प्रतिनिधि बैठते हैं दिल्ली में, उनके पास गए तो बोलती हैं कि वो मोदी जी गुस्सा होते हैं। हम गए थे और 4-5 लोग हमारे साथ में गए थे, तो बोलती हैं कि हम यदि आप लोगों की बात ऊपर रखते हैं तो मोदी जी गुस्सा होते हैं, तो मोदी जी यहाँ मतदान करने नहीं आएंगे, यहाँ की जनता मतदान करेगी ना, हैं?
मोदी जी यहाँ मतदान करने नहीं आए, गुस्सा होते हैं तो फिर जाएं, मोदी जी वोट डाल देंगे तो वो जीत जाएंगे। परेशानी हो सकती है, लेकिन जो किसानों के लिए मोदी सरकार ने किया है किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 उनका, और जो प्रदेश और शिवराज सरकार कर रही है 6000-12000 रुपए देने का काम कर रही है, और उनका जो सम्मान इस 10 साल के अंदर मोदी जी ने और शिवराज जी ने किया है वो कभी नहीं हुआ। भाई साहब ये जो आप बोल रहे हैं ठीक है, किसान सम्मान नहीं दे रहे हैं तो क्या अपने घर का कोई पार्टी नहीं, चाहे कांग्रेस होगी चाहे बीजेपी होगी चाहे अन्य पार्टी होगी, कहीं ना कहीं से जनता ही का पैसा लेके देती है। महंगाई कितनी हो गई भाई साहब, उन्होंने देखा कि गरीब हमारा किसान परेशान है, उन्होंने दिया। भाई 2014 के पहले महंगाई कितनी थी, आज की डेट में देख ली महंगाई। कांग्रेस कमलनाथ की सरकार ने जो किसानों से वादा किया था, वादा खिलाफी की योजनाएं, हम देखिए किसी पार्टी से नहीं है, है ना, हम आम पब्लिक हैं हम, और चाहे कोई भी रहेगा हम मुद्दे की बात हमेशा करेंगे। ललितपुर सिंगरौली मैम, हम लोगों की जमीनें फंसी हैं, हम लोग भी पीड़ित हैं, उसकी जमीनें फंसी हैं। सरकार क्या बोली कि हम जमीन आप दे दो हम आपको नौकरी देंगे, ये उसकी पीड़ित है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, हमारी जमीनें सरकार ले गई, मैं भी उसी में हूँ, सभी लोग हमारी जमीनें सरकार ले ली, हम लोग वादा खिलाफी, कुछ लोगों को 10% लोगों को दे दिया गया है ना नौकरी, 10% लोगों को दे दिया गया, बाकी शेष को बोल दिया गया कि हम बंद कर रहे हैं नौकरी। क्या नाम है? राकेश निगम। क्या मुद्दे हैं चोरहट के? बहुत अच्छे मुद्दे हैं, भाजपा सरकार ने बहुत कुछ किया है, लाडली बहना, प्रधानमंत्री आवास योजना। लाडली बहना का फायदा आपके घर में किसे हुआ? बहुत मिला, मेरी मम्मी को मिल रहा है और मेरे आसपास के जितने पड़ोसी लगभग सभी लोगों को मिल रहा है, पिछले 4 महीने से मिल, 4 महीने से अभी मिलेगा और मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। इसके पहले 18 साल से बीजेपी सरकार रही है ना, अभी लाडली बहना अभी आई, योजना चलती रहेगी भाई साहब। ये बोल रहे हैं कि लाडली बहना अभी आई, तो क्या लाडली बहना अभी इसके पहले तक नहीं थी कि मामा जी अभी नहीं थी? हम ये जानना चाहते हैं कि लाडली बहना अभी तक नहीं थी 4 महीने पहले तक कि मामा जी अभी नहीं थी? अरे मामा जी जान गए कि सत्ता परिवर्तन और लगे से लाडली बहनाएं आई हैं। अरे हम क्या सब नहीं बोलेंगे क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं हैं। अबे तो कहाँ रहे मामा जी? मामा जी गए होता तेरे, हम यही पूछ रहे हैं, मुद्दा भाई हम बता तो रहे हैं कि उनसे किसानों से जाकर पूछे जो भाजपा भी शिवराज। अरे हम किसी पार्टी से नहीं है ना, हम किसी पार्टी को बोल रहे हैं ठीक ना, हम अपना जीवन यापन ब्रश और जीभी बेच कर रहे हैं। 3800 से 4200 लोहा हुआ, इसके बाद सीधे 6000-7000 हुआ, तो हमारा जेब खाली हुआ, अदानी का भर गया। बोलते जाइए उनको, हमारा जेब खाली हुआ, आम जनता का जेब खाली हुआ और अदानी का भर गया, जिंदल का भर गया, पब्लिक को क्या मिला? मोदी अंडानी भाई भाई। मेरा कहना ये है कि यहाँ पे निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है, आप सभी लोग अपना अपना मत दे करके जिस किसी को भी बनाएं, जो बेरोजगारी हो रही है युवाओं के लिए, हम किसी भी पार्टी का उसमें दोष नहीं दे रहे हैं, जो भी पार्टी आए चाहे कांग्रेस आए या भाजपा आए, युवाओं के लिए जैसे शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती में पद इतने कम निकाले जाते हैं कि जो आने वाले व्यक्ति हैं उनकी उम्र 35 साल अगर निर्धारित है तो उनकी जो भर्ती निकाली जाती है कम मात्रा में निकाली गई, अब भर्ती प्रक्रिया होते होते उनकी 40 हो गई, वो बेचारे वंचित रह जाते हैं नौकरी से। तो मैं ये कहता हूँ कि वर्ग एक हो, दो हो, तीन हो, उनको भर्ती प्रक्रिया की जो रिक्त पद हैं उनको बढ़ाएं, पदों की संख्या को बढ़ाएं और बढ़ा करके उनके नौकरी के लिए एक व्यवस्थित ढंग से उसका सुचारू रूप से काम करने के लिए ऐसा अवसर प्रदान करें कि जो नौकरी से वंचित हो रहे हैं लोग, शिक्षक व्यक्ति, उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले। और दूसरा हमारा एक ये मुद्दा है कि जो ये रेलवे लाइन जा रही है, रेलवे लाइन में मैं यही चाहता हूँ, हर व्यक्ति की तरफ से ये मांग करता हूँ कि जिस किसी की भी ज़मीन रेल विभाग ने लिया है हर व्यक्ति को मुआवजा दें और उन्हें नौकरी दें। जिस तरह से नौकरी देने की बात कही गई थी उस तरह से उन्हें नौकरी दें और मुआवजा दें, उचित मुआवजा जो होता है। और रेलवे लाइन का यह विकास हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों की ज़मीन ले लो और मुआवजा ना दो, नौकरी ना दो, ये तो पूरी तरह से अन्याय हो रहा है। ठीक
ठीक है, तो ये आप लोगों के मुद्दे हैं, ये आप लोगों की समस्याएं हैं। इस विधानसभा चुनाव में आप लोग इन्हीं मुद्दों पर वोट करने जाने वाले हैं। बिल्कुल, ये चोरहट विधानसभा क्षेत्र है। बोलिए, मुद्दा ये है कि किसान परेशान है, ये जो मवेशियाँ घूम रही हैं, कोई भी सरकार आए कम से कम इनकी बंदोबस्त कायदे से। तो कांग्रेस सरकार लाने वाली है, मान लीजिए भैया कांग्रेस कार्यकर्ता, रुक जाओ अब आप थोड़ा बहुत बोलिए, हर बार बीच में आके बोलिए, थोड़ा सा थम जाओ। खून पसीना एक करके किसान जी बिल्कुल खाद खरीदता है, बीज खरीदता है, मगर इन्हीं मवेशियों द्वारा कुछ बच नहीं पाता है, भूखे मर रहे हैं किसान, फांसी लगाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इन मतलब कि जो भी मवेशी हैं इनको सरकार व्यवस्थित कर ले, बस यही एक हमारा मुद्दा है। कुछ नहीं रेल लगा जी। मैडम बताइए, बताइए आप, बताइए क्या मुद्दे हैं आप, चुरहट के रहने वाले? जी बिल्कुल, चुरहट का रहने वाला हूँ। अंबु शुक्ला मेरा नाम है, मैं चुरहट क्षेत्र डिठौरा गांव का रहने वाला हूँ। मैं मध्यांचल बैंक में कियोस्क संचालक हूँ। जी बताइए क्या समस्याएं हैं चुरहट की, कैसा काम हुआ है पिछले 5 साल में? चुरहट में पिछले 5 साल में जो 30 वर्षों में नहीं हुआ वो 5 सालों में हुआ है। आप 30 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और 5 सालों का रिकॉर्ड उठा देख लीजिए। बताइए कोई ऐसे 5 चीज़ें जो पिछले 5 साल में। आप चाहे यहाँ पे चुरहट की रोड देख लीजिए, मेन मार्केट की, सोन नदी की पुल देख लीजिए, डिठौरा खैरा मार्ग, ठीक है ना, लाडली बहना देख लीजिए, है ना, आवास योजना, शौचालय देख लीजिए, है ना, रामपुर का बताई लगे हैं, है ना, पीजी हो गई है चुरहट में, यूजी हो गई है, है ना, बहुत सारी योजनाएं हैं। यूजी पहले से थी लेकिन उसमें बीए बस था, बीएससी नहीं था मैडम सर, है ना, बीएससी नहीं था, है ना, केवल बीए बस था, एक सब्जेक्ट थी, है ना, और भी सब्जेक्ट उसमें हो गई हैं। चुरहट में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी। लोग तो कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं तो वही सरकार चाहता हूँ, फिर भाजपा, भाजपा, मैं भाजपा ही चाहता हूँ। ठीक है, लोगों से चुरहट का मुद्दा, तो लाडली बहना चुरहट का मुद्दा नहीं है, पूरे प्रदेश में की चुरहट है बस को मिल रहा है, चुरहट में कोई काम नहीं हुआ मैम 5 साल में। आप ये बताइए चुरहट में आज तक मार्केट में, एक छोटा सा मुद्दा बता रहा हूँ, चुरहट मार्केट की रोड 30 सालों में क्यों नहीं बनी? उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे, मानव संसाधन विकास मंत्री थे, सब कुछ होते हुए भी, है ना, और उनका घर साणा में है, चुरहट से 10 किलोमीटर दूर है, है ना, मार्केट के रोड, उनके घर की मैं रोड बता रहा हूँ, बंद हो गई। चुरहट में डालडा फैक्ट्री थी, बंद हो गई, शुगर फैक्ट्री थी, बंद हो गई, रामपुर में 30 बेड की हॉस्पिटल आई थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अर्जुन सिंह जी ने, है ना, वहाँ यहाँ रामपुर से 30 बेड की हॉस्पिटल आई थी, तो उनके ये नहीं हुआ कि यहाँ से 15 बेड की हॉस्पिटल चुरहट ले गए, न कि खुद ला लिए, ठीक, यहाँ से ले गए 15 बेड के, यहाँ कुछ नहीं किए, यहाँ तो सिविल हॉस्पिटल भी बनने वाली है, माननीय सत्यन तिवारी जी ने वो किया है, है ना, उसके लिए क्यों जाती है यहाँ, जैसे बार बार यहाँ भी बिजली, मान लीजिए लाइट फॉल्ट है, कहीं पे पेड़ गिर गया, कुछ भी हो गया, तो लाइट तो जाएगी। ऐसे गाँव है जो प्रभावित है, यहाँ आज तक बिजली नहीं आई, सिंगरौली आपका ऐसा पावर हब है जो पूरे देश को बिजली पहुँचाता है, यहाँ चुरहट तक बिजली परमानेंट आ नहीं पाती। क्या है मैडम, देखिए जानती क्या है, जब हम अपनी सही जानकारी देंगे तो बिजली नहीं जाएगी, ठीक, मैं घर में 10 बल्ब जला रहा हूँ, लेकिन जब मैं बिजली के फॉर्म भरने जाता हूँ तो वहाँ 2 बल्ब बताता हूँ, ठीक, तो कहाँ कितना वाट लिखेंगे, 200 वाट लिखेंगे मान लीजिए, ठीक, मैं यूज कितना कर रहा हूँ, 1000 वाट यूज कर रहा हूँ, ठीक, तो बिजली तो ऑलरेडी जाएगी, करंट तो मेरे को उतना ही मिल रहा है वहाँ से, बिजली जाती नहीं है, 24 घंटे में 1-2 घंटे जाना लाजमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे लाजमी है, 1-2 घंटे मैडम हर जगह जाती है, इतना कोई वो नहीं है। हम जिन घरों में रहते हैं, हम जिन शहरों में रहते हैं, दिल्ली में नहीं जाती है यार, मैं रहती हूँ, नहीं नहीं मैडम मैं नहीं मान सकता हूँ लाइट। अब आप मान नहीं सकते तो वो बात अलग है, बताइए। अति शिक्षकों को बोला गया हम आपका 1 साल का अनुबंध करेंगे, आपकी पेमेंट डबल करते हैं, कोई योजना का भी लाभ तक नहीं दिया गया है क्या नहीं दिया, डबल पेमेंट हो गए उनकी, बताइए कब, अभी आप उस चावल को कुकर में डाले नहीं कि तुरंत सीटी बज जाए, उसको थोड़ा रुकने दो ना। सितंबर को महापंचायत थी, आज सितंबर बीत गए, अक्टूबर बीत गए, नवंबर आ गए, अभी तक घोषणा नहीं आया, आदेश तक अभी नहीं आया, ये बताइए। दोबारा फिर
सरकार बनने दो, फिर सब कुछ मिलेगा। दो महीने बीत गए, दो महीने बीत गए, अभी तक पेमेंट तक नहीं दे रहे, दी जा रही है सरकार है। आज कितने सालों से सरकार चल रही बताइए, दो महीने में क्या होता तो है बोला था ना। शिक्षा में ऐसी ये हुई है सीएम के द्वारा, इतनी भी योजना आई बीजेपी से, आप समझिए उसमें कितने परसेंट हुआ। आप भी यही इंडिया के हैं, कोई बाहर के नहीं है, है? आपको भी मालूम है कि कितनी योजनाएं लागू हुई, कितनी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला 1,15,000, बाकी कहाँ गया? सेक्रेटरी के जेब में गया, सरपंच के जेब में गया, किसके जेब में गया मेरे को मालूम नहीं, बाकी कहाँ गया पैसा? है 3900 प्रथम किस्त है, जब प्रथम किस्त आई तो 3800, फिर 4200, सीधे 7000। तो क्या योजना है ये? इसलिए श्रीफल साल दे के विदाई करो बीजेपी के। जय हो। ये चुरहट विधानसभा क्षेत्र के लोग थे जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई, अपने मुद्दे बताए। यहाँ का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग बताया जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं शैलेंद्र तिवारी वर्सेस जो पूर्व मंत्री रहे हैं अर्जुन सिंह, उनके बेटे हैं राहुल अजय सिंह, उनके बीच में लड़ाई है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि चुरहट विधानसभा क्षेत्र से क्या नतीजे आते हैं। इसको विंध्य की सबसे इंटरेस्टिंग सीट के तौर पर गिना जा रहा है। यहाँ के चुनावी नतीजों पर सबकी नज़र होगी। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरा नाम सोनल है। हमारी विधानसभा चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से बात करके उनके मुद्दे, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश करेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। शुक्रिया।